हाँ जी बल बढ़ाने वाली विद्याएं और अति बल बढ़ाने वाली विद्याएं। ज्ञान को तो बल कहा ही जाता है, लेकिन ज्ञान को अगर प्रैक्टिकल जीवन में कर्म करते हुए याद में डाल दिया जाए तो अति बल हो जाता है। इसलिए कहते हैं योग बल से विश्व की बातें ही मिल जाती है। ज्ञान के बल से, धारणा के बल से, सेवा के बल से कोई ने विश्व की बात सही नहीं प्राप्त की। लेकिन जब सेवा के कार्यों में याद की ताकत भेद जाती है तो अति बल आ जाता है। दुनिया में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन दुनिया को नहीं जीत सके। क्योंकि वो योग बल की बात को जानते नहीं थे। उनको राजयोग सिखाने वाला कोई नहीं था। मनुष्यों की जनरेशन में बड़े बड़े बलवान हुए हैं, हिस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको अति बलवान नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे विश्व को कोई कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो विश्वामित्र ही है जो सारे विश्व का मित्र है। विश्व अर्थात 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या देश नहीं है। राम कृष्ण की आत्माओं को तो ईर्ष्या देश भी आता है, परंतु विश्वामित्र को ईर्ष्या देश नहीं कहेंगे। वो सारे ही विश्व का मित्र है। जो माने उसका भी भला, जो उसकी बात नहीं माने उसका भी भला। अपकारियों पर भी उपकार करने वाला है। उसका नाम है विश्वामित्र। पहले पहले उन्होंने आकर के दो विशेष आत्माओं को चुना, राम और कृष्ण। ये आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन के रूप में पाठधारी है। जिनको विश्वामित्र
ऐसी शिक्षा देते हैं जो सारी दुनिया में फैले हुए रावण राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जो भी संकल्प है उन संकल्पों को सिद्ध करने को ही सिद्धि कहा जाता है। रिद्धि कहा जाता है धन संपत्ति को। दुनिया में 9 प्रकार के रत्न हैं, हीरा माणक्य मोती आदि। जब चाहे उनकी प्राप्ति कर ले वही रिद्धि है। वास्तव में भक्ति मार्ग में रिद्धि सिद्धि कहते हैं, लेकिन संपूर्ण रिद्धि सिद्धि किसी को प्राप्त नहीं होती। ये तो संगम युग ही है जिसमें भगवान आकर के हमारी सब इच्छाओं को तृप्त कर देते हैं, इच्छा मात्र में विद्या बनाए देते हैं। ऐसी स्टेज पाने पर हम जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा की पूर्ति तुरंत होती है, क्योंकि हम स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। वो आत्माओं का बाप निस्वार्थ है, उसको अपना रथ नहीं है, इसलिए हमको भी निस्वार्थ बनाता है। जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। जो निस्वार्थ होते हैं वो ही परमार्थी कहे जाते हैं। जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं वो परमात्म स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बाप और बच्चे के रूप में कोई भेद नहीं रह जाता। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कहे जाते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि करना और रिद्धियों को प्राप्त करना ये कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, क्योंकि सारी प्रकृति जो 5 तत्वों का भंडार है वो आत्मा के अधीन हो जाती है। वो बेहद का बाप हमको प्रकृति जीत बनाना सिखाते हैं। इस प्रकृति में और इसके भंडार में नौ रत्न भरे पड़े हैं। 9 रत्नों का भंडार भरा पड़ा है। इसलिए सतयुग में देवताओं के प्रारब्ध में रिद्धियां भी भरी पड़ी हैं और सिद्धियां भी भरी पड़ी हैं। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं उन्हीं का ही ये गायन है। खजाना भरपूर रहता है।
कोई से मांगने की दरकार नहीं। और बाबा इधर हूँ ना, मैं इधर हूँ, मैं क्या करूँ? न इधर हूँ न उधर हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? एक तरफ हो जाओ, न इस नाव में न उस नाव में। इसका मतलब नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, सामने हूँ ना पीछे हूँ, वही बात। एक सामने नाव है, एक पीछे नाव है। सामने की नाव में भी पाँव नहीं, पीछे की नाव में भी पाँव नहीं, और दाएं बाएं तो नाव है ही नहीं। नाव आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, तो टिके काहे पे हो? तो काहे पे टिके हो बताओ? बैठे काहे के लिए? उड़ जाओ। कौन सी गीता पाठशाला में, कौन से कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे हैं। मुरली कहाँ पढ़ते हो जाकर? कहीं नहीं। कहीं नहीं, फिर यहाँ क्यों आ गए? आपसे मिलने। हमसे मिलने? हम कौन है? अभी आप क्या हैं? आप कुछ बता रहे हैं? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। जब आप कुछ नहीं तो हम भी कुछ नहीं। क्यों? चिंता चिता बनाती है, चिंता में जलते हैं। योग को भी अग्नि कहा जाता है, लेकिन ये अग्नि हमको शुद्ध बनाती है। चिंता हमारी आत्मा को खंडित करती है, खा जाती है, आत्मिक शक्ति छीण होती है, और बाप की याद से आत्मा की शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है, विल पावर आती है। चिंता करने से विल पावर खलास हो जाती है। चिंता सांपिन के ही नहीं खाया, के ही जग जाए न व्यापी माया। जहां याद होती है वहां माया ठहरती नहीं है। कलयुग के अंत में सभी को चिंता सापिन खाती है। अभी संगम युग शुरू हो गया, ये मौजों का युग है। मौजों के युग में मौज करनी है या चिंता का चिंतन करना है? मौज करनी है। श्रीमत पर चलेंगे तो मौज में रहेंगे, और मनमत पर या मनुष्य मत पर या राक्षसी मत पर चलेंगे तो मौज कहां से आवेगी? चिंता ही आवेगी। आप नहीं बोलिए, पहले कहीं क्लास करने जाइए। ब्रह्मा की आयु तब ही होती है जब बाप प्रवेश करते हैं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा बाप हूँ। मेरे से बड़ा बाप कोई होता नहीं। प्रजापिता सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, धर्म पिताएं भी,
आदम को मानते, एडम को मानते, प्रजापिता को मानते, लेकिन प्रजापिता मेरे को बाप मानता, तो मैं बापों का बाप हूँ। और बाप जब पहली पहली रचना माता में प्रवेश करता है दिलो जान से, तो माता बनाता है। ढोल मजीरा बजाने को माता बनाना नहीं कहा जाता है। मातृशक्ति का आधार लेने को माता कहा जाता है। तो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस किसी भी मनुष्य मात्र में प्रवेश करता है तो उसका नाम ब्रह्मा रखता है, क्योंकि बड़ा बाप है तो बड़ी माँ है। ब्रह्मा का अर्थ ही है ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। अब वो कोई भी ब्रह्मा हो, क्योंकि ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही होता है। तो कब से नाम पड़ा ब्रह्मा, आदि कहां से होती है? जरूर कहेंगे आदि पिता से। पहले पहले है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु मुरली में बाप ने समझाया है कि ब्राह्मण बने बिगैर प्रजापिता कहां से आया। पहले ब्राह्मण चाहिए या पहले प्रजापिता? पहले ब्राह्मण चाहिए। और ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा के मुख से सुने बगैर ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि पहला पहला ब्राह्मण सो पहला पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, जो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण। हर युग में पहला नंबर है। इसलिए कहा जाता है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों ही युगों में पहला पहला नंबर है, जिसे विराट रूप कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का। वो बीज बाप है, विराट वृक्ष भी बनता है। उस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए जाते हैं, राक्षस भी दिखाए जाते हैं, जानवर भी दिखाए जाते हैं। और गीता में बोला है कि मनुष्यों में मैं ये मनुष्य श्रेष्ठ हूँ, वृक्षों में मैं ये वृक्ष श्रेष्ठ हूँ।
हाथियों में ये हाथी श्रेष्ठ हूँ, मैंने हर चीज में श्रेष्ठता दिखाई गई है। तो वो श्रेष्ठता कोई और नहीं है, विष्णु का ही रूप है। विष्णु के रूप में चार भुजाएं आत्माओं के रूप में दिखाई गई है, मददगार, इसकी मददगार, भुजा माने मददगार, तो किसकी मददगार, कौन बाप, केवल सहयोग लेता है या सहयोग देता है, वो दाता है या लेने वाला है, दाता है। तो भुजाओं का सहयोग कौन लेता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वो विष्णु रूप विराट रूप धारण करता है। तो सहयोगी रूपी वो चार भुजाएं कौन सी है, जिनका वो सहयोग लेता है, वो सहयोग लेने वाली आत्मा कौन है, है? हाँ, राम वाली आत्मा। चार भुजाएं वो भी ब्रह्मा से विष्णु बनती है, परंतु वो पिता नहीं है। उन भुजाओं को चलाने वाला पिता है। जैसे परिवार में बाप बच्चों को चलाता है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। विष्णु के विराट रूप में वो मन बुद्धि रूपी आत्मा चार भुजाओं की संचालन करता है, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा के साथ वैष्णवी। ये चार भुजाएं सहयोगी हैं। इसलिए ब्रह्मा अनेकों के नाम है। जिनमें जिनमें वो संपूर्ण शक्ति निराकार प्रवेश करके पार्ट बजाती है, चाहे वाचा का पार्ट ब्रह्मा के द्वारा सुनने सुनाने का पार्ट, चाहे शंकर के द्वारा समझने समझाने का पार्ट, और चाहे विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल रूप में कार्य करने कराने का कार्य, वो सुप्रीम सत्ता का ही काम है, जो संगम युग में कार्य करती है। इसलिए उसको त्रिमूर्ति सेव कहा जाता है। तो ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है। कौन से ब्रह्मा का आदि और कौन से ब्रह्मा का अंत, दादा लेखराज उनमें शिव ने जब से प्रवेश किया तब से उन्होंने वाणी चलाना शुरू किया। जो मुरली में आता है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, दो चार दस पेज बैठ लिखते थे और बाप लिखाते थे। इसका मतलब पहले शिव की प्रवेशता ब्रह्मा में नहीं होती थी। जब अचानक सिंध हैदराबाद के झगड़े टंटों से भयभीत होकर के कराची के बंगले में चले गए अकेले,
और बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, खून खराबा हुआ, तो जो सत्संग में जाने से रोकी गई, बांधेली आत्माएं सात सात पालों के अंदर रखी हुई थी, वो स्वतंत्र हो गई अचानक और सिंध हैदराबाद छोड़ करके छोटे बड़े ग्रुप बनाकर कराची में बाबा के पास पहुंच गए। उस समय बाबा का जोश बढ़ गया, हिम्मत आ गई, और हिम्मत बच्चे मदद बाप ने प्रवेश कर लिया, क्योंकि उस समय उस संगठन में प्रजा पिता वाली राम वाली आत्मा तो थी नहीं, इसलिए ब्रह्मा के रूप में कृष्ण की आत्मा को चुन लिया और ब्रह्मा के रूप में जो वाणी चलाई गई सन 47 से उसका नाम मुरली पड़ा। जो मुरली कृष्ण के द्वारा गाई हुई है, वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा तो मीडिया थी, मुरली चलाने वाली नहीं थी, लेकिन उस समय जो भी सुनने वाले थे ब्राह्मण, वो भक्त आत्माएं थी या भगवान को पहचानने वाली आत्माएं थी? भक्त आत्माएं थी। उन्होंने कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को ही भगवान समझ लिया और गीता का भगवान कृष्ण साकार में हो गया, फाउंडेशन पड़ गया। और आपने ये बात को मुझे समझाया था, आपसे कहा आप चुप रहिए, कहीं क्लास करिए, बच्ची कब की थी? उसके बाद कहाँ चले गए? घर में, घर में बैठ गए, तो अब घर में ही बैठो जाके। अरे इसका अर्थ नहीं समझ रहे आप, अर्थ बाद में समझाना, अभी अभी क्लास में नहीं। आप क्लास से बाहर निकल जाइए, उठिए, क्लास से बाहर जाइए, आप उठिए, उठो 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 उठो, तुरंत निकल के बाहर जाओ, अभी बाहर, बाद में पूछना, सबको डिस्टर्ब नहीं करो, उठो 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 उठो, उठ करके बाहर जाओ, एक बार कहने को मानते नहीं हो, आप बाहर जाओ। ये तो गलत बात है, अच्छी बात करो, जाके बाहर। हाँ जी, कोई भी स्कूल के नियम होते हैं, ये शांत नहीं है, बाहर जाओ। हाँ जी, क्या हाँ, शांत हो जाइए। हाँ जी, 60 साल की अवस्था में चेक नहीं करता है ना। हाँ जी, तो वो नहीं है बात, किसी कैसे करें, कोई तो प्रूफ होगा। ये ज्ञानामृत पत्रिका में ही आया हुआ है कि उनकी एज 87 में 100 साल पूरी हुई। हाँ जी, 60 साल की अवस्था सन 47 में थी और 40 वर्ष और जोड़ दो, तो 47 में 40 वर्ष जोड़े तो 87 आता है। 87 में द्वापर युगी रजो प्रधानता की शूटिंग शुरू होती है, दूसरी मूर्ति के प्रतिनिधित्व में, और रजो प्रधानता के पीरियड में ब्रह्मा जो प्रैक्टिकल ब्रह्मा के पार्ट बजाने में सफल हुआ,
ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट है सहन शक्ति, उसमें वो कृष्ण की आत्मा पास हुई। वो ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा पतित है या पावन है? है पतित। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में पूरी होती है या अमर लोक में पूरी होती है? मृत्यु लोक में ब्रह्मा खत्म हो जाता है तो कौन सा लोक शुरू होगा? 88 से अमर लोक शुरू हो जाता है। इसलिए उसे एक वर्ष में, पूरे ही एक वर्ष में ब्रह्मा की सोल ने गुलजार दादी में प्रवेश भी नहीं किया। शास्त्रों में दिखाया है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण बड़े आराम से गर्भ महल में बैठा हुआ है। आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए बड़े आराम की स्थिति अनुभव होती है। वो द्वापर युग में कृष्ण को दिखाया है। शूटिंग की बात है, ऐसे नहीं कि ब्रॉड ड्रामा में द्वापर में कोई कृष्ण आता है। वही कृष्ण वाली आत्मा द्वापर युगी शूटिंग के अंत में महाभारत युद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाली दिखाई गई है। जो प्रैक्टिकल एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में 1998 में नजारा देखने में आया वो है द्वापर युगी शूटिंग का अंत 98-99। तो ऐसे नहीं कि जैसे देहधारी धर्मगुरुओं ने लिख दिया किताबों में, पुस्तकों में अपनी मनमत के आधार पर कि 36 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और कमरे में उनके अंदर से आवाज निकली शिवोहम आनंदा स्वरूपम शिवोहम। ये मनुष्य की लिखी हुई बातें हैं, मनुष्य की बनाई हुई किताबें हैं। मुरली में ऐसे वाक्य कहीं भी नहीं बोले गए कि साक्षात्कार होने को प्रवेशता कहा जाता है। भगवान की साक्षात्कार होना अलग बात और प्रवेश होना अलग बात। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में बहुत से भक्तों को हुए, मीरा को हुए, तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, रैदास को हुए, परंतु भगवान ने प्रवेश किसी में नहीं किया। इससे ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि 36 में दादा लेखराज के रूप में ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुरली में ये वाक्य नहीं आता है, इन मम्मा बाबा को, ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, इन्हें ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराने वाले कोई बच्चे थे, डायरेक्शन देने वाले कोई बच्चे थे, ध्यान में जाते थे, अपने आर्डर पर इनको चलाते थे। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी कृष्ण और राधा वाली आत्माओं को जो अपने आर्डर पर चलाएंगे वो ज्यादा पावरफुल हुए या कम पावरफुल आत्मा ही हुई? ज्यादा पावरफुल हुई।
कौन भागीरथ? हाँ, उनका शरीर का पता नहीं लगा वो भागीरथ नहीं था। उसको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे जो शरीर छोड़ दे। भाग्यशाली रथ है वो जो अकाल मूर्त है, जिसको काल खाते हुए दुनिया में कोई मनुष्य मात्र देख नहीं सकता। वो कालों का काल है, महाकाल है, उसको भाग्यशाली रथ कहेंगे। सिखों में गुरु नानक को कहते हैं। सदगुरु, लेकिन वास्तव में सदगुरु के द्वारा तो सारी सृष्टि की सदगति होती है। इसलिए गुरु नानक की भी उंगली सदैव ऊपर की ओर दिखाई गई है। भले उनके फॉलोअर्स ने उनको सदगुरु मान लिया, ये एक अलग बात है। और हाँ जी बाबा, जैसे क्लास में बोले कि वाइट ड्रेस है, क्लास में बोला गया है जैसे कि वाइट ड्रेस पहनना है, तो बांधेली माताएं हैं। बांधेली माताएं हैं तो क्या उनको रंगीन साड़ी में बांधा गया है? है? उनको रंगीन साड़ी में बांध दिया गया है क्या? बांधने वाले घर में बांध के रखते हैं या रंगीन साड़ी में बांध के रखते हैं? काय में बांधते हैं पहले? वो घर में बांध के रखना चाहेंगे, घर में से तो बाहर है। और बाहर आकर के चाहे सफेद पहनो और चाहे रंगीन पहनो, कौन रोकने वाला है? गीता पाठशाला में अगर हो सके तो सफेद साड़ी पहनो, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो बड़ा संगठन होता है, घर से बाहर ही आ गए तो बांधेली तो नहीं रहे। हाँ, तो गीता पाठशाला में 2, 4, 6, 8, 10, 15 स्टूडेंट्स आते हैं। हो सके तो ठीक है, ना हो सके तो भी ठीक है। हाँ, बाबा, सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना होती है, तो उसका फाउंडेशन तो संगम पे ही पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा? आप जैसे डालेंगे वैसे ही पड़ेगा। आप अगर पंजाबी है मान लो, और आपके परिवार में सब हिंदी जानते हैं क्या, लेकिन फिर भी आप हिंदी न बोल करके क्या बोले, पंजाबी बोले, तो आप कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की शूटिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो या तो ये तो सब अपने अपने ऊपर है कि अगर हम अपने को माँ बाप का बच्चा समझते हैं तो माँ बाप के बच्चों की मातृभाषा, बाप की जो भाषा है, माता की जो भाषा है, वो ही होनी चाहिए या दूसरी दूसरी होनी चाहिए? अगर हमारे माहौल के बीच में सभी हिंदी जानने वाले हैं तो जो मातृभाषा वासी होगा वो मातृभाषा बोलेगा या दूसरी भाषा बोलेगा? तो पता लग जाता है कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की फाउंडेशन लगाने वाला बच्चा है या नहीं है। बाबा,
दरवाजा रखता है ये है कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का दिग्पाल होगा, आठ दिग्पाल माने गए हैं, दिग माने दिशाएं, आठ दिशाओं को पालन करने वाले, पालना करने वाले कितने दिग्पाल, आठ दिग्पाल। वो आठ दिग्पाल कोई दूसरे नहीं है, संगम युग में जिन्होंने अव्वल नंबर पुरुषार्थ किया और अष्टदेव की लिस्ट में आए वो आठ दिग्पाल गए गए हैं। जो आठ धर्मों के पूर्वज माने जाते हैं, पूर्व ज माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले, जिन्होंने पहले पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे दिया, संसार में आठ श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में प्रत्यक्ष हो गए। उन आठ आत्माओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन सा दिग्पाल माना जाएगा? है उत्तर दिशा का श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। भगवान का वास है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। बीच में नहीं बोलिए। उत्तर दिशा का दिग्पाल कुबेर माना गया है, धन संपत्ति का स्वामी माना जाता है। हद की धन संपत्ति या बेहद की धन संपत्ति? बेहद की धन संपत्ति क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वर कोई हीरे मोती जवाहरात रतन का भंडार लेकर के नहीं आता है, क्या लेकर आता है? ज्ञान धन लेकर के आता है। उस ध्यान ज्ञान धन की कदर तब ही कही जाएगी जब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में लाया जाए। तो आठ दिग्पालों के बीच में कौन सा दिग्पाल है जो ज्ञान धन को सबसे जास्ती वैल्यू दे करके अपने जीवन को सब देवताओं के बीच में सबसे जास्ती पवित्र बनाता है, इतना पवित्र बनाता है कि जो त्रिमूर्ति शिव के तीन देवताएं हैं, उन तीन देवताओं की तीन मूर्तियां जो देवियों के रूप में गाई हुई हैं, उन देवियों को भी उसके सामने मस्तक झुकाना पड़ता है। इसलिए उस क्षेत्र में जो उत्तर दिशा का खास निमित्त है, काशी नगरी श्रेष्ठ मानी गई है, जिसके लिए गायन है
इस काशी नगरी के द्वार में जो प्रवेश करेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो उत्तर दिशा का जो द्वार है वो अष्ट देवों में पवित्रता का आगार श्रेष्ठ द्वार है, और उसके मुकाबले दूसरी दिशा कौन सी है? विरोधी, दक्षिण दिशा। सब जानते हैं कि द्वापर युग में अर्ध विनाश हुआ था, ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है। क्या? द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में, सारी सृष्टि में अर्ध विनाश हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ था? स्वर्ग कहते हैं पाताल में चला गया, और द्वापर कलयुगी नारकीय दुनिया ऊपर आ गई। द्वैतवादी संसार ऊपर और अद्वैतवादी देवताओं का संसार नीचे। तो हिमालय पहाड़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है हम जानते हैं कि पहाड़ कैसे बनते हैं। हाँ, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं और उनमें से जो लगातार लावा निकलता है उसका पहाड़ बन जाता है। जहाँ स्वर्गीय क्षेत्र था वो द्वापर के आदि में क्या बन गया है? कौन सा पहाड़? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ बन गया। कितने बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटे होंगे। और जब नरक की दुनिया बदल करके संपूर्ण विनाश होगा तब इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? सिर्फ बर्फ नहीं पिघल जाएगी, पहाड़ लोप हो जाएंगे और इस स्थान पर स्वर्गीय दुनिया तैयार होगी। और जो दक्षिण भारत आज भारत का स्वर्ग देखने में आता है, दक्षिण भारत में जो गए हो वहां की स्टेशनों की सफाई देखना, वैभव को देखना। बाबा ने भी बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश, वो समंदर में डूब जाएगा। ये उत्तर भारत का वो प्रदेश है जहां स्वर्ग की राजधानी तैयार होती है। इसके मुकाबले दुनिया का वो द्वार है जहां नरक की राजधानी स्थापन होती है। द्वापर शुरू होता है तो पहला पहला धर्म कौन सा आता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म कहो, मुस्लिम धर्म कहो, और उन मुसलमानों की बुद्धि का सेंट्रलाइजेशन कहां होता है? है काबा कहाँ है? अरब देश में। वो अरब देश जहां से इस्लामी संस्कृति संसार में फैलती है वो है अफ्रीका का प्रदेश, अफगानिस्तान ईरान का प्रदेश, जो दक्षिणी द्वार कहा जाता है।
समझ में आया क्या है? वो है आसुरी संस्कृति का द्वार, जहां से नरक बनता है, और वो है काशी नगरी है, वो द्वार जहां से स्वर्ग तैयार होता है, स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ता है, पड़ रहा है। यहाँ पर क्या था आपका? दरवाजा क्यों नहीं बनाते? तो भक्ति मार्ग में दक्षिण दिशा में दरवाजा बनाना अच्छा नहीं मानते हैं। या पूरब में बनाएंगे या उत्तर में बनाएंगे। तो डर तो नहीं जाते हैं? सोचते माने चिंता लगी रहती है, चिंता लगी रहती है। ये चिंता लगी रहना, ये भी तो रोना है, है? खुश होते रहना चाहिए। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले, क्या महाविनाश में जो मरेंगे तुम जानते हो वो असुर हैं, आसुरी दुनिया बनाने वाले हैं। इसलिए उन खोपड़ियों को मारो ठोकर। है रण छोड़, जिन्होंने रण माने युद्ध और छोड़ माने छोड़ दिया, जिन्होंने रण छोड़ दिया माने युद्ध करना छोड़ दिया, उनका नाम पड़ा रण छोड़ दास। क्या सारे कौरव यादव और पांडवों को लड़ाई दिया और खुद क्या कह दिया, हम युद्ध नहीं करूंगा, है? फिर गुस्सा भी आ गया तो भी शस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र के नाम पर स्वदर्शन चक्र उठा लिया, जो रथ का पहिया कहा गया है। रथ है शरीर, और इस शरीर रूपी रथ के अंदर ये 84 का जो चक्र घूमता है ज्ञान का, ये है उसका पहिया। बस इतना ही युद्ध किया और नहीं, माने हिंसा का नाम निशान नहीं। अहिंसक युद्ध किया और योग बल से विश्व की बात सही ली। बाहुबल अर्थात रथ के बल का नाम निशान नहीं। और कृष्ण को शास्त्रों में दिखाया है कि वसुदेव यमुना नदी को क्रॉस करने लगे और नदी जो है वो बाढ़ में आ गई और कृष्ण के पैरों को पांव को छूने के लिए
लालायित हो गई। आखरी कृष्ण ने अपने बुद्ध रूपी पांव नीचे लटका दिए। टोकरी में पड़ा हुआ कृष्ण टोकरी से भी नीचे लटकाई दिए और यमुना संतुष्ट हो गई पांव छू करके। वसुदेव कौन है? टोकरी क्या है? जिसको कृष्ण कह दिया गया वो कृष्ण भगवान कौन है? जो भागवत में गाया हुआ है। और वो यमुना कौन है? ये सिर्फ मात्र जड़ नाम है या कोई चैतन्य आत्माएं हैं? चैतन्य आत्माएं हैं। वसु माने धन संपत्ति और देव माने देने वाला। धन संपत्ति देने वाला कौन है? है शिव बाबा। शिव बाबा इस दुनिया में आता है तो कंस के कारागार में फंस जाता है। कृष्ण का भगवान के रूप में प्रत्यक्षीकरण होता है तो उस बाल रूप को विदेशी यादवों के संरक्षण में भेजना होता है क्योंकि कंस की जेल में कंस के कारागार के जो सैनिक हैं कंस की जो प्रजा है वो कृष्ण को प्रत्यक्ष होने देगी या और ही खलास कर देगी। खलास कर देगी इसलिए विदेशियों के बीच में ले जाया जाता है। यादवों की नगरी में बीच में यमुना आती है। यमुना नदी काली नदी कही जाती है। आज की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में सबसे ज्यादा दूषित पानी दूषित जल सबसे ज्यादा जहां गंदे नाले गिरते हैं उस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। जब कृष्ण को ले जाया जाता है यमुना से पार अर्थात उस चैतन्य यमुना नदी को क्रॉस कराया जाता है। क्या क्रॉस करना जानते हैं? है तब यमुना नदी बाढ़ में आती है। ये जानने के लिए पहचानने के लिए ये बुद्ध रूपी पांव किसके हैं? कोई सामान्य व्यक्ति के हैं या भगवान के हैं? यमुना नहीं जानती
इसलिए वो बाढ़ में आती है। नदियां जब बाढ़ में आती है तो क्या करती है, बोड़म बोड़ कर देती है। ऐसे यमुना नदी भी क्या करती है, बाढ़ में आ जाती है। इसलिए बाढ़ में आती है कि अगर सामान्य व्यक्ति है तो बोड़म बोड़ में बूढ़ जाएगा। क्या मेरे काले विकारी स्वरूप में डूब जाएगा। अगर भगवान है तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये सन 76 की बात है। जब 76 में यमुना नदी अस्तित्व में आती है, और सन 87 में बाढ़ में आती है, बाढ़ में आने के बावजूद भी पांव छूकर चली जाती है। बाढ़ समाप्त तो हो जाती है। वसुदेव माने शिव बाबा राम की बुद्धि रूपी टोकरी में बैठा कर अर्ध चंद्रमा के रूप में नदी के पार चला जाता है। नदी के पार जाना अर्थात यादव कुल में पहुंचना। यदु कुल है, यादवों का कुल है, जो बड़े धन संपत्तिवान होते हैं, जहां कृष्ण का राज्य चलता है। कृष्ण यदुवंशी थे, क्योंकि यादव कुल में पालना हुई थी। यादव कुल से ही भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। नहीं तो कंस के कारागार में भगवान की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती थी। द्वापर के आदि में जिन कवियों ने ये कविताएं की हैं, शास्त्र बनाए हैं, श्लोक लिखे हैं, उनकी भावना उस समय सात्विक थी या तामसी थी? तामसी थी। सात्विक भावना में लिखे गए, इसलिए उन शास्त्रों की गहराई को भगवान ने ही उनके द्वारा लिखवाया, और भगवान ही आकर के उनका सच्चा अर्थ बताते हैं। बाकी बीच में द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक जो उन शास्त्रकारों के फॉलोअर्स हुए हैं, वो तो और ही तामसी बुद्धि बनते गए विकारों में डूबने के कारण। वो विकारी बुद्धि शास्त्रों का सही अर्थ नहीं निकाल सकते। भगवान बाप आकर के शास्त्रों का सार बताते हैं। ओम शांति।